अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मिलाद उन नबी बहुत मुबारक हो, जश्न आमद रसूल बहुत मुबारक हो। सो यहाँ पे मैं सुबह के लिए कपड़े निकाल रही थी अपने लिए, चिकनकारी कुर्ती निकाली थी मैंने, हल्का फुल्का मुझे पहनना था क्योंकि मेरा रोज़ा था, तो मैं ज़्यादा मतलब हैवी कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। लाइट सा मैंने एक चिकनकारी कुर्ती निकाली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके काम ना हाथ पे भी हुआ है, मतलब ज़्यादातर ना चिकनकारी कुर्ती पे ऐसे हाथ पे काम नहीं होता, बट ये मैंने लोकल स्टोर से ली थी तो इसके ना हैंड पे बहुत अच्छा चिकनकारी का काम था। सो यहाँ अम्मी और मैं हम लोग जुलूस का रास्ता देख रहे थे, अभी जुलूस आने वाला था, तो अम्मी से कहा मैंने कि थोड़ी मेरी वीडियो बना दो, तो ये वो बना रहे थे वीडियो। एंड यहाँ देख सकते हो आप, बाहर में जुलूस आ गया है अच्छा। तो यहाँ भाई लोग और अब्बू लोग चीज़ें लेकर जो हमने आए थे वो बांट रहे थे। ये जुलूस जो है गाइस हमारी मस्जिद का है, मतलब हमारे घर के पास जो मस्जिद है वहाँ का है। सो ये हमारे घर के सामने से जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब, सबको ईद मिलादुलनबी बहुत मुबारक हो। आज ईद मिलादुलनबी है, वो आपको मैंने जुलूस दिखाया, हमारे घर के सामने से जुलूस जाता है। एंड मैंने आज रोज़ा भी रखा है, सो मेरा रोज़ा है आज का, और मैं फ़र्स्ट टाइम रखी हूँ वैसे, मैंने इससे पहले कभी नहीं रखा आज का रोज़ा। बट मेरे फीड पे ना इंस्टाग्राम की फीड पे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इंस्टाग्राम मतलब ये 12 रबीउल अव्वल का जो है रोज़ा भी रखते हैं, रसूलल्लाह रखते थे, मतलब हमारे प्यारे आका रखते थे, तो मैंने सोचा कि हमें भी रखना चाहिए, मतलब रख के देखते हैं। मेरे को भारी जा रहा है आज का वैसे, जैसे पहला रोज़ा मुश्किल जाता है ना, क्योंकि हमें भूख प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, वैसे मुझे भी रोज़ा में थोड़ा भारी जा रहा है। बट इंशाल्लाह अभी जो है इसे तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 बजे है, मैंने जैसे अभी जोहर की नमाज़ पढ़ी है कि गाइस। सो मेरा अभी एक पार्सल आया है, मैं पार्सल लेने जा रही हूँ, पहले तो देखती हूँ मैं क्या मंगाया है मैंने। यार एक पार्सल वालों का बड़ा मसला है, कोई भी टाइम आ जाती है। बात तो सही है। सो अभी मैं जस्ट नीचे से आई हूँ, मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है अभी नायका से, मतलब मैंने कुछ मंगाई होंगी, वैसे तो मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई, आपको दिखा दो। आई एम सॉरी गाइज, मैंने एंगल बहुत बुरा रखी हुआ अभी, पहले तो मेरे को सांस आ गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, सो ये मेरे को अभी मिला है गाइज नायका का पार्सल, मैंने एक दो चीज़ें मंगाई थी, वैसे तो मैंने कल ही ऑर्डर किया था, बट नायका की सर्विस ना बहुत फास्ट है, वो बहुत जल्दी दे देते, तो इसको ओपन करते हैं देखते हैं मैंने क्या मंगाया था। 2-3 चीज़ें मंगाई है मैंने, पता नहीं मुझे इसमें से क्या मिला है। ये एक एक करके चीज़ें देते हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं आती उनकी चीज़ें, पहले अच्छा होता था, पहले ना एक सब एक बॉक्स में दे देते थे वो सारे। ये मैंने प्लम का सीरम मंगाया है गाइस, नायसिनामाइड प्लम का सीरम, मैंने इसकी पहले छोटी बॉटल यूज़ करी है, स्मॉल वाली 250 वाली, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने फिर ये बड़ी वाली ट्राई करनी, मतलब बड़ी वाली मंगाई, पहले मैंने वो ट्राई करने के लिए छोटी वाली मंगाई थी। अच्छा प्रोडक्ट लगा मेरे को नायसिनामाइड प्लम का, नायसिनामाइड सीरम 10% सीरम क्लैरिटी बूस्ट, सो ये बहुत अच्छा सीरम है। एंड आपके अगर कोई दाग धब्बे वगैरह है आपके फेस पे, तो ये उस सबको क्लीन कर देगा, एंड आपके अगर एक्ने वैक्ने हो रहे हैं तो उसको भी क्लीन कर देगा, ये बहुत अच्छा है। जेन्युइन मैं रिव्यू दे रही हूँ, वैसा कोई वो नहीं है प्रमोशन वगैरह, मेरे को वैसे प्रमोशन मिलेगा भी क्या अभी, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग लेना, ये बिल्कुल रेकमेंडेड है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग का तो मुझे नहीं लगता लेकिन क्लीन कर देता है। सो ये मैंने मंगवाया था, 550 की मिली है, 550 की मिली है, बट ठीक है ये इतना बड़ा मिल रहा है, इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती गाइस, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए मैंने मंगवाया है दोबारा से। ऐसा होता है कुछ आप अगर पहले ट्राई कर लो ना तो मैं आ रही हूँ। ये मेरा थोड़ा सा शॉप मिनी हॉल भी हो गया। आज रबीउल अव्वल के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, वैसे मैंने बहुत बातें कर दी, आज का दिन कैसे गुजरता है हमारा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ जुलूस देखने के लिए, वैसे मैं सुबह भी जुलूस देखने गई थी बट अभी मैं जाऊँगी मोमिनपुरे के पास में, बहुत सारी जुलूस लगता है, मैं आपको थोड़ा माहौल दिखाती हूँ मैं हमारे यहाँ का कैसा होता है। सो गाइस ये देख सकते हो आप कितना माशाल्लाह खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं काबा खाने काबा, और ये हमारे घर के पास जो मस्जिद है ना वहाँ पे इन लोगों ने बनाए थे, लड़के लोगों ने, यानी छोटे छोटे गुंबद भी बनाए थे इन्होंने, गौस पाक और ख्वाजा गरीब नवाज़ ताजुद्दीन बाबा जान उनके जो गुंबद है ना वो बनाए थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के, तो मैंने सोचा ये इसकी भी मैं वीडियो बना रही थी। ये बस हमारे घर के पास में जो मस्जिद है ना वहाँ पर इन लोगों ने बनाए थे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह लिखा है इस पर, और ये खाना काबा बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह बनाए थे।
एंड उसके बाद फिर मैं अब्बू के साथ चली गई थी जुलूस देखने के लिए दिन के टाइम। मैंने अब्बू से कहा कि मेरे को कभी भी नहीं ले जाती, मतलब लड़के लोग तो हमेशा जाते हैं, लड़कियों को भी जाना चाहिए। तो इस बार मैं गई थी अब्बू के साथ, तो मैं नहीं जाती दिन के टाइम, तो नहीं जाती, रात में जाती हूँ। बट मेरे को थोड़ी वीडियो भी बनानी थी, आप लोगों को थोड़ा ज़रा माहौल दिखाना था हमारी तरफ का, और ऐसे ही मेरा मन हो गया जाने का। तो यहाँ हम लोग जब गए ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाली था सब। तो ये मोमिनपुरे का एरिया है, यहाँ अभी जुलूस आने का था तो सब खाली खाली था। एंड फिर हम यहाँ ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे जहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह हुआ था दिन में। तो खैर अभी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ आपको, बट रात में बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। एंड उसके बाद फिर हम 2 बजे के टाइम और आए थे, तो ये मोमिनपुरे के पास का एरिया जहाँ पे इतना माशाल्लाह इतना अच्छी वाइब आ रही थी, इतने सारे लोग सारे जुलूस में, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतने खुश हो रहे थे। और हमारी यही ईद होती है गाइस जब हम बाहर निकलते हैं, मतलब सब अपने जोश में। सो ये ईद तो माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। छोटे छोटे बच्चे इतने खुश होते हैं, अपने से बड़े बड़े झंडों को लहराते हैं, इतनी खुशी होती है उनको। तो ये हमारे खून में होता है, हमें बचपने से सिखाया जाता है इस ईद को, हम मतलब कितने जोर शोर से मनाते हैं इस ईद को। बच्चे बच्चे को पता होता है इस ईद की अहमियत। जगह जगह ना इस टाइप की न्याजें होती है जो कि देना, मतलब चलते फिरते लोगों को ये न्याज देते हैं। कुछ भी चावल होते हैं, मीठा होता है, छोटे छोटे बच्चे मीठा ऐसी चीज़ें बांट रहे थे। मैं भी आपको आगे देखना अपने आगे में। एंड मैंने ये वीडियो पे ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी गई, मैंने बिल्कुल जैसी थी ना वैसी आप लोगों को दिखाई। एंड बच्चे अपने अम्मियों के साथ में गाड़ी पे ऐसे दब दब के बैठ के आते हैं, खुशी होती है देखने की ना जुलूस को। सो वैसी मेरे को भी हो रही थी, वैसे मैं तो कभी भी नहीं गई, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा चक्का जाम वाला बिल्कुल वो हो गया था, अब्बू बहुत मुश्किल से गाड़ी चला रहे थे, और प्रॉब्लम भी होती है मतलब ऐसी गाड़ी चलाना ना इतने ट्रैफिक में, बट फिर भी अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ सारे झंडे, इंडिया का झंडा एंड ग्रीन फ्लैग्स, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। एंड जगह जगह पे कुछ ना कुछ दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे, सोन पापड़ी दे रहे थे और चिप्स दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे। तो सब अल्लाह पाक कबूल करने वाले, सबकी न्याजें अल्लाह कबूल करे। यहाँ खाना वाना भी बांट रहे थे, खाने का भी बंदोबस्त किए थे यहाँ पर खाने का भी। सो यहाँ ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। एंड मैंने इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं करी गई, जैसी थी वैसी ही रखी हुई। यहाँ देखो एक छोटा सा बच्चा जा के जो है बांट रहे थे, चिप्स दे रहा था शायद ये। एंड यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख। और ये जो सारा जुलूस है गाइस, ये मोमिनपुरे के पास में सीए रोड जैसा होता है, वहाँ पे ही सारे जुलूस निकलते हैं। ये सारे मतलब अलग अलग मस्जिद से निकले होते हैं और वहाँ जाके जमा होते हैं इकट्ठे, और फिर वहाँ से जो है अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो अभी इससे पहले मैंने जो आपको सुबह दिखाया ना, ये बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पर कि जाने को भी जगह नहीं थी। फिर अब मैं जाऊँगी घर एंड अपना रोज़ा इफ्तार करूँगी। आ गई थी घर और अब जो है मैं इफ्तार करूँगी, और इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने टैंग बना लिया और अम्मी ने खीर बनाए थे एंड खजूर थी, सोन पापड़ी थी, वैसे तो इतना भी बहुत है। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इफ्तार किया, और आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।